आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि पैसे डबल करने का यहाँ पर मौका आ गया है। सिर्फ 3 दिन का समय है, इसीलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, क्योंकि जो टेगा इंडस्ट्री है वो अपना यहाँ पर एक आईपीओ लेकर आ गया है और सिर्फ 3 दिन आपको मौका मिलने वाला है। यहाँ पर लिस्ट होते साथ ही यहाँ पर डबल होने की संभावना है, तो अप्लाई करें तो अप्लाई तो करना है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। बहुत ज़बरदस्त किस्सा आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको अगर बताऊँ ग्रे मार्केट में, ये सनसनी क्यों मचा रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट में अगर आप देखोगे 450 रुपये का शेयर है और 370 रुपये प्रीमियम पे चल रहा है, यानी कि 800 के ऊपर लिस्ट होने की संभावना है। 400 का शेयर 800 पे लिस्ट होने की संभावनाएं बन रही है, 70 से 80% का लिस्टिंग गेन आपको यहां पर इसमें मिल रहा है। तो क्या करें बहुत ही ज़रूरी है इस आईपीओ में, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। और बहुत समय के बाद एक अच्छा प्रॉफिट वाला शेयर आया, मतलब अब तो ऐसा लग रहा था कि हम आईपीओ रिव्यू में, मैं आपको क्या बोलूं, जोमैटो लॉस में, बाकी जो अब जितने भी आए पेटीएम लॉस में, पॉलिसी बाजार लॉस में, तो बोले तो क्या बोले, और ग्रे मार्केट फिर अच्छा रहता है तो काफ़ी यहाँ पर चिंता वाली बात हो जाती है। तो चलो कम से कम एक प्रॉफिट वाली बिजनेस हमारे सामने आई है। जो इम्पोर्टेंट डेट है आप नोट करेंगे, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक अप्लाई करेंगे तो 1 तारीख को ही अप्लाई करें। बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे आखिरी डेट पे देख के सोचेंगे, बताएंगे अप्लाई करना है नहीं करना है, सब फालतू की बात है। आपको अगर अप्लाई करना है, अच्छा लग रहा है, तो आप पहले ही दिन अप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, क्योंकि शुक्रवार तक रहेगा और फिर आखिरी दिन में क्या होता है, ध्यान हट जाता है, कई बार 2 बजे बंद हो जाता है, कई बार 3 बजे बंद हो जाता है, कई बार ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, तो वो सारी चिंता छोड़ के 1 तारीख को ही आप यहाँ पर पहले ही दिन पे बिंदास होके अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और किसी भी आईपीओ में मैं पहले दिन ही अप्लाई करता हूँ, ज़्यादा यहाँ पर आईपीओ का जो वैल्यूएशन है वो पहले ही हो जाता है, तो वो बाकी फ़र्क नहीं पड़ता है कितना सब्सक्राइब हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको बिजनेस में भरोसा है और आपको लग रहा है कि पैसा बन रहा है, तो पहले दिन ही यहाँ पर बिंदास अप्लाई यहाँ पर आप कर सकते हैं। हाँ, लगेगा गया या नहीं है तो फिर आप लॉटरी है, आप सब यहाँ पर जानते ही होंगे। तो आपने देखा होगा इसके साथ एक और आईपीओ आ रहा है, स्टार वाला जो है हेल्थ इंश्योरेंस का आईपीओ, वहां पर आपने देखा होगा कि ग्रे मार्केट काफी कम है और यहां पर ग्रे मार्केट काफी ज्यादा है, डबल होने वाला है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रे मार्केट जो सेकेंडरी मार्केट होता है एज अ वेल्थ मैनेजमेंट में, हमारे पास में क्लियर कट हमें पता रहता है कि जिसका इशू साइज बहुत ज़्यादा होता है उसे ऑपरेटर यहाँ पर हिला डुला नहीं पाते, तो उसका ग्रे मार्केट कम होता है, मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। जिसका इशू साइज कम होता है उसे तो हम यहाँ पर इजीली मैनिपुलेट कोई भी कर सकता है, तो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि किसी भी बिजनेस का आईपीओ आ रहा है तो वो सबसे पहले कॉन्टैक्ट करता है अनऑफिशियल मार्केट में और कोशिश करता है कि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में बता सके। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर बैठा है, अगर उसके जेब में पैसा है, अगर मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है और उसके पास 100 रुपये है लगाने के लिए, तो वो 100 से 105 हो जाता है ग्रे मार्केट में, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन आप यहाँ पर ऑपरेटर के जेब में 100 रुपये है और 500 रुपये का शेयर लेकर आ जाएंगे, तो वहाँ पर ऑपरेटर कुछ नहीं कर पाता है। इसीलिए जब बड़े आईपीओ आते हैं, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, जैसे पेटीएम हो गया, तो इनका ग्रे मार्केट को हिलाना काफ़ी मुश्किल होता है, यानी कि इन्हें ऊपर उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, जो भी 2500 करोड़ के ऊपर का यहाँ पर इशू साइज रहता है उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल रहता है, इसलिए ग्रे मार्केट में वो ज़्यादा नहीं दिखाते। तो मेरा एक सिंपल फंडा है, आईपीओ के टाइम पे अगर 2500 करोड़ के ऊपर का आईपीओ है, डेट मीन्स कि वो लॉन्ग टर्म आईपीओ होगा, अच्छा आईपीओ होगा, और अगर 2500 करोड़ के नीचे का है तो वो यहाँ पर एक स्मॉल कैप आईपीओ होगा, नो डाउट, और यहाँ पर लिस्टिंग गेन में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म आप यहाँ पर नहीं रख सकते। तो आपने यहाँ पर देखा भी होगा ये चीज़, अगर आप यहाँ पर जानते होगे मनु मानिक लोग जैसे बैठे रहते हैं और वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते रहते हैं। अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ क्या करना है लिस्ट होने के बाद में इस आईपीओ में, क्योंकि आप सब अप्लाई करेंगे ग्रे मार्केट देख के, सारे लोग आपको बता देंगे भाई अप्लाई करना है, ज़बरदस्त आईपीओ आ रहा है, ना 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 अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने के बाद, लिस्ट होने के बाद क्या करना है वो मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अप्लाई कैसे करते हैं, तो आपको उसके लिए चाहिए होगा एक डीमैट अकाउंट, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जीरोधा का डीमैट अकाउंट खुला लीजिए, और अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खुला है बच्चों के नाम से या फैमिली के नाम से तो भी आप खुला लीजिए, ज़बरदस्त मौका बन रहा है शेयर मार्केट में। सारे के सारे शेयर अपने 2 साल के कोविड क्रैश के प्राइसेस पे मिल रहे हैं, तो अच्छा टाइम है यहाँ पर डीमेट अकाउंट खुलाने का। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरी टीम जीरोधा की टीम आपकी हेल्प यहाँ पर कर देगी। तो जो टेगा इंडस्ट्री है इसके वैल्यूएशन और फंडामेंटल की बात करें, अच्छा है, लगातार प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ रहा है, तो ये बहुत समय के बाद एक अच्छा बिजनेस आया जो कम से कम प्रॉफिट में चल रहा है। नहीं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पॉलिसी बाजार हो गया, पेटीएम हो गया, स्टार हेल्थ हो गया, एक के बाद एक लॉस वाले यहाँ पर बिजनेस हमारे सामने यहाँ पर आ रहे थे। फंडामेंटल्स भी यहाँ पर ठीक ठीक अच्छा दिखाई दे रहा है, पीई रेशियो अगर आप देखोगे रीजनेबल दिखाई दे रहा है, एक ही कॉम्पिटिटर है AIA इंजीनियरिंग। अब अप्लाई करे या फिर ना करे, तो देखिए मैं आपको क्लियर कट यहाँ पर बता रहा हूँ, अप्लाई करना है,
पहले दिन ही अप्लाई करना है और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। जितना लॉट हो सकता है आप यहाँ पर ले लीजिए अपने फैमिली की तरफ से। मेरा सजेशन ये है कि आप एक ही लॉट अप्लाई करें एक अकाउंट से, और यहाँ पर कम से कम एक फैमिली में 5 से 6 अकाउंट रखें ताकि आपको यहाँ पर 2 से 3 लॉट मिले। अगर आप एक एप्लीकेशन में 4 लॉट भी लगाते हो, 5 लॉट भी लगाते हो, जो भी यहाँ पर है 3 लॉट भी लगाते हो, तो भी आपको मिलना एक ही है। तो इसीलिए आप अपने चांसेस को कम ना करें, एक बारी में एक ही लॉट लगाएं, एक ही अकाउंट से लगाएं और कोशिश करें फैमिली के अलग अलग मेंबर से 5 से 6 लॉट यहाँ पर अप्लाई करें। जितने भी लॉट आपको मिले हैं लिस्ट होते साथ इससे आप यहाँ पर एग्जिट करें। मैं अभी से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट में ओमिक्रॉन जो वायरस है वो यहाँ पर चल रहा है, सिचुएशन ग्रिम है, कुछ भी हो रहा है यहाँ पर, तो बेटर है लिस्ट होते साथ आप यहाँ पर निकल जाए, बाद में पैसा बना लेंगे। कितना भी नीचे आए ग्रे मार्केट 20% तो आपको बनाएगा ही बनाएगा, और अभी तो डबल होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत सारे आपको एनालिस्ट लोग बोलेंगे ये आईपीओ को देख के कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें, लेकिन मैं आपको जस्ट उसका उल्टा बोलूंगा। लिक्विडिटी कम है, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। एक साल में मैं आपको बता रहा हूं ऐसे कई आईपीओ है जो 2020 में आए, 2019 में आए, 50% आज यहां पर नीचे चले गए या रिटर्न नहीं बना के दे रहे, तो रिस्क ना ले। अगर आपको मैनेज ही करना है और लॉन्ग टर्म में ही अप्लाई करना है तो इसके पीयर में जो अच्छा लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड वाला है AIA इंजीनियरिंग, उसमें आप यहां पर पैसा लगा सकते हैं। रिस्क नीचे है, क्यों नीचे है भाई, रिस्क नीचे उसमें क्यों है, क्योंकि मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि वो शेयर यहां पर 50-70% नीचे नहीं जाएगा, लेकिन मैं आंख बंद करके ये शेयर के बारे में जो आईपीओ आया है इसके बारे में नहीं बोल सकता कि ये किस प्रकार से परफॉर्म करेगा और 50-70% ये नीचे जा सकता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा ही बनाना है तो सबसे पहले आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा, रिस्क को कम करना पड़ेगा। तो कम रिस्क आपको जो है वो यहां पर AIA में दिखेगा, ना कि इसमें दिखेगा। तो इसमें अप्लाई करना है, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए करना है, शॉर्ट टर्म वॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई यहां पर ना करें, मार्केट ग्रिम चल रहा है। और ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इस आईपीओ से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया लाइक करें, आपके लाइक से बहुत ही प्यार और मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज यहां पर बनाने का मन करता है, तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर मार्केट से जुड़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के साथ में।